हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बच्चों बोलो सभी। गुड मॉर्निंग। तो सभी को सुबह की नमस्कार। आज मौसम काफ़ी ठंडा है गाइस, शायद बरसात आएगी एक दो घंटे के अंदर। दूध हमने गायों का निकाल लिया है, लगभग एक दो गाय बची हुई है, उनका भी निकाल लेंगे। और अभी चाय पी रहे हैं, जस्ट सेकंड चाय। बिल्लू की फर्स्ट चाय, दादा की सेकंड चाय। चाय कम पिया करो। गाइस अभी खेत जाने वाले हैं, तो राधा तो रोटियां बना रही है माँ के साथ मिलके। गाइस मिस्त्री भाइयों ने जो मोटर है ना, वो यहाँ टैंकर के ऊपर सेट कर रखी है। टैंकर से पानी उठा रहे हैं। इतने दिन तो क्या थे, डिग्गी से उठा रहे थे, आज टैंकर ही पीछे करके। और देखिए आप, यहाँ पे मोटर सेट कर लिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे मोटर भी है, वो टैंकर से पानी उठा के और सीधा ऊपर की तरफ वहाँ ले जा रहे हैं। देखिए ऊपर पानी डाल के लिपाई कर रहे हैं। लिपाई चल रही है क्या ऊपर? कितना रह गया? चलो देख के आते हैं गाइस, दिखा के आता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए आप, ओ भाई पानी यार कितना डाल रखा है नीचे यार। आज तो तराई से मेरे को लगता है तर बतर कर दिया पूरा। ओ पानी आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे लिपाई हो रही है। यहाँ कमलेश भाई पानी डाल रहे हैं। अभिषेक यहाँ पे पानी के साथ मस्ती करे। देखिए आज संडे है ना, तो यहाँ खूब मस्ती करेगा ये, और किसी को शायद काम भी नहीं करने देगा। शरारत करता है ना यहाँ पे? नहीं शरारत तो करा है ना आज, है ना? ये अगर ज्यादा शरारत करे ना, तो इसके कान के नीचे चापट लगा देना, दो इलाज पूरा ही कर देना। वो अंदर वाली लिपाई करने के बाद ये बाहर वाली और करोगे क्या आज? तो गाइस पहले थोड़ा मौसम खराब था ना, तो इस वजह से बाहर लिपाई करना था, लेकिन बाहर नहीं किया क्योंकि मौसम खराब था। अगर बरसात आ जाए तो फिर लिपाई है ना, वो पूरी पानी पानी हो जाए, नीचे आ जाए सारी सीमेंट। तो फिलहाल अंदर शुरू कर दिया लिपाई। तो अभी खाना वाना खाएंगे। चाय पी लिया था क्या आपने? और मैं अभी खाना खाने वाला हूँ क्योंकि खेत जाना है। तो गाइस 11 बजने वाले हैं और फिलहाल मैं खाना खा लेता हूँ। मिस्त्री भाई तो खा लेंगे, अपने आप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ घर पे। हम तो खेत जाना है। तो विष्णु खा रहा है खीर मस्त वाली, और मैं खा रहा हूँ आज बनी है दाल मस्त, रोटी और छाछ। और माँ यहाँ पे बैठे, माँ खाना खा लिया क्या आपने? नहीं खाया? ये खा लिया, माँ ने भी खाना खा लिया है। और अभी मैं खा लेता हूँ। चलें खेत है टाइम, पहले तो मेरे को बोल रहे थे चलें खेत। अब मैंने खाना खा लिया तो खुद बर्तन साफ करने लगी। क्या करें क्या नहीं करें। विष्णु तुम जा रहा है क्या? संडे है, नहीं जाएगा, घर पे खेलेगा? क्यों करेगा अलबाद करेगा, ये कोई काम है? मजा आएगा, एक चापड़ लगा दूं। खेत पहुंच चुके हैं गाइस, और मोटरसाइकिल वहां पे खड़ा कर दिया बाइक अपना, देख पा रहे हो आप। महेश कुमार सोलर चला करके गया था, हालांकि मौसम में थोड़ी नमी है, कई बार धूप निकल रही है कई बार नहीं निकल रही है। देखिए थोड़ा हल्का पानी चल रहा है यहाँ पे। तो कल जो हरा चारा बिजाई किया था ना यहाँ पे, उसमें पानी लगा रहे हैं फिलहाल। देखिए आप पहला क्यारा है वो चल रहा है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 क्यारे और बचेंगे पानी लगाने वाले। और मौसम देखिए, कभी धूप निकल रही है कभी बादल आगे आ रहे हैं। देखिए पानी कम हो गया, ये देखिए तुरंत से पानी कम हो जाता है। ऐसे में पानी देखिए आप नहीं चल पा रहा है। ये देखिए मैंने पाइपें भी लगाई आगे ताकि जल्दी भीग जाए, लेकिन सिर्फ एक क्यारा यहाँ पे लगा है, बाकी दूसरा आधा लगा है। तो अभी मैं नरमे की चुगाई करूँ यहीं पास में, अगर सूज निकला तो भीग जाएगा, वरना फिर नरमे की चुगाई तो करें। और मैस और वो वहाँ पे लगे हुए हैं, उस मकान की जो अपना मकान है ना खेत के अंदर एक, वहाँ पे लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ इस साइड से नरमे की चुगाई करना। गाइज मैं नरमे की चुगाई करने वाला था रिचारे के पास, तो मेरे पास फोन आ गया रमेश का, तो चाय पी रहा हूँ यहाँ पे इन सभी के साथ। ये देखिए सभी बैठे हुए हैं, तो गर्मा गर्म चाय पी लेता हूँ। उसके बाद वहाँ थोड़ा बहुत नरमा तो चुगाई किया है मैंने, तो वो तोलेंगे कितना हुआ है, देखेंगे कितना हुआ यार, तोलेंगे तो क्या थोड़ा सा है। नरमे की चुगाई करी है आज,
और पानी तो लगा रहा था लेकिन धूप नहीं आई, तो इतना सा ये देखिए आप, वो क्या रहा, दूसरे वाला रह गया थोड़ा। बाजरे की कटाई मैंने ज़रूर कर दी, वहाँ पे एक पांड बाजरा काट दिया, तो अभी मेरा तो इतना ही नरमा 8-10 किलो तो होगा शायद। और अभी शाम का समय हो चुका है तो घर पे भी जाना है, और आज पूरे दिन बादल वही रहे ना, इसलिए सोलर का पानी ज़्यादा नहीं लगा पाया। और घने बादल देखिए आप हो चुके हैं अभी, और घने हो चुके हैं, हल्की बरसात भी आने लगी है, अभी घर को चलते हैं। फाइनली गाइज घर पर पहुंच चुके हैं, हालांकि रास्ते में बरसात तो नहीं आई, एक बार तो शुरुआत हुई थी लेकिन रुक गई। और घर पे बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में चाय भी पी रहे हैं। चाय है क्या हमारे लिए? थोड़ी सी चाय पी लेते हैं के बाद पशुओं का दूध वगैरह निकालते हैं। चाय तो बना ली, सब्जी बनाने की तैयारी चल रही है। शाम के 6 बज चुके हैं और फिलहाल मैं न्यू घर की छत पे आ चुका हूँ, और कमलेश भाई नहा धो के एकदम रेडी रेड हो गए हैं और अपना हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। क्या प्लान है आने का है? क्यों मजदूर नहीं मिल रहे? अच्छा सुबह ये जाएंगे है ना। तो यहाँ पे बायरस भाई अभी भी लगे हुए हैं और फोन की लाइट, अंदर अंधेरा है ना तो फोन की टॉर्च जला करके और लिपाई हो रही है यहाँ पे, देख पा रहे हो आप। कितना रह गया? ये पाल हो गया क्या? हाँ थोड़ा सा रहा है ना, थोड़ा सा वहाँ रहा है ना, बाकी तो हो गया, ये मसाला पूरा काम में आ जाएगा। तो आज गुरप्रीत भाई जाने का प्लान है क्या? वो कहाँ गया दीपक? वो चला गया बस में। बस में गाइज रात के 9:30 हो चुके हैं और आज मिस्त्री भाई है वो अपने गांव चले गए हैं, 2 दिन पहले गए थे और 2 दिन यहाँ पे काम किया और अब शायद 2 दिन और नहीं आएंगे। विष्णु अभी खाना खा कर आया है, बाहर खाना खा रहा था अपनी मम्मी के पास, माँ और पिताजी बाहर खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ। खाने में आज मस्त बना है, देखिए आप, खीर बनी है और काचर की सब्जी बनी है मस्त वाली, बिरयानी काचर लेकर आए थे आज पिताजी। तो आई होप आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आ गया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।